हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको कोड करेंगे, और जो कोड कर रहे होंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या कह दिया है, एक नंबर गिवन होगा एक्स स्ट्रिंग की फॉर्म में, उसका हमें सिंपल मॉड्यूलो बताना है कि क्या रिमाइंडर आएगा 11 से करने के बाद। ठीक है, ये हमें इंटीजर में रिटर्न करना है, स्ट्रिंग में रिटर्न नहीं करना। अगर जैसे इस नंबर की बात करें तो इसका हमारे पास आंसर है 3, इसकी बात करें इसका आंसर हमारे पास 1। ठीक है, तो एक आपके माइंड में क्या आ सकती है चीज़ कि हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग से क्या कर लेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसका रिमाइंडर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, वो एफिशिएंट मेथड नहीं है, चाहे चल भी जाए वो, पर वो एफिशिएंट मेथड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है आपकी स्ट्रिंग की लेंथ बहुत बड़ी हो, तो इंटीजर तो आपका एक्सीड हो जाएगा लेंथ में। ठीक है, तो वो काम आपको डायरेक्ट नहीं करना है। अब करना क्या है आपको वो मैं बताता हूँ। अब मैं ना आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो, अगर मेरे पास नंबर हो 13 और एक हो मेरे पास 123, मैं जस्ट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 2। सिमिलरली इसका रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, इसकी लेंथ बड़ी है, इसकी लेंथ छोटी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ खाली मेरे पास 2 हो, उसका रिमाइंडर भी क्या आएगा 2। ठीक है, इसकी लेंथ तो भाई और छोटी होगी। इसका मतलब आंसर यार इन सबका सेम आ रहा है, लेकिन लेंथ छोटी है। तो क्या मैं इसको इसमें या इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता? ठीक है, अब देखो कैसे कर सकता हूँ मैं इसको, और छोटा कैसे बना सकता हूँ। अब मेरा आंसर सबका सेम आ रहा है। अगर मेरे पास 28 123, अब मैं इसको 13 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 लूंगा अपना, 1 का रिमाइंडर 11 के साथ मेरे पास कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरी किसकी बारी आएगी, अब ये 1 यहाँ पर 1 था, रिमाइंडर भी 1 आया, पास सेम है। ठीक है, उसके बाद मेरी आई 2 की, अब मेरा यहाँ पर क्या आया 1, उसके बाद क्या आया 2, टोटल कितना बना 12, 12 बना, 12 का रिमाइंडर 11 से कितना आएगा 1। ठीक है, इसका मतलब ये क्या जस्टिफाई कर रहा है कि इस 12 की जगह मैं 1 प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस 12 को अपना जो नंबर है जिसमें मेरा 12 है, उसमें मैं 12 की जगह 1 प्लेस कर दूंगा। मान लीजिए मेरा नंबर था 12, इसका मैंने रिमाइंडर कर लिया, क्योंकि 1 और 12 बात एक ही है, रिमाइंडर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, नम की जगह 12 की जगह 1 कर दिया, मैंने अपना जो साइज है उसको छोटा कर लिया। और फिर मैं आया यहाँ, अब मेरा इस पूरे की जगह 1 आ चुका है, फिर मेरा आया 3, 1 और 3 अपना क्या बन गया 13। ठीक है, 13 बना, अब देखो मेरा 123 किस में रिड्यूस हो गया, 13 में। 123 मैंने पूरा कहीं अपना स्टोर करा ही नहीं, किसी भी इंटीजर में मैंने पूरा स्टोर करा ही नहीं अब तक। ठीक है, तो मतलब मेरी लेंथ एक्सीड नहीं होगी। मेरा अब ये क्या बन गया 13, जैसे 13 बना मैं इसको क्या करूंगा, 13 का रिमाइंडर कर दूंगा 11 से, जो किया जाएगा 2। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, नम में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 123 से मैं इसको किस पर ले आया, 13 पे ले आया, फिर मैं इसको किस पर ले आया, 2 पे ले आया। ठीक है, क्योंकि 2 का आंसर सेम है, 13 का आंसर सेम है, 123 का आंसर सेम है। ठीक है, समझे इस बात को? तो मतलब मैं क्या करूंगा, हर एक डिजिट का रिमाइंडर लेता चलूंगा, जो रिमाइंडर आएगा उस डिजिट को रिप्लेस करता चलूंगा और अगले अगले डिजिट पे मूव करता चलूंगा। एक एग्जाम्पल से आपको करके दिखा देता हूँ मैं। एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ 1345। ठीक है, अब मान के चलते हैं ये मेरा, अगर मैं डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करने लग जाऊँ इंटीजर में, मान के चलते हैं ये मेरा एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, लिमिट एक्सीड कर जाएगा इंटीजर की, तो हम मतलब इसको डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 को लेंगे, 1 का रिमाइंडर 11 के साथ 1 ही आ जाएगा। ठीक है, मेरे नंबर में क्या आया, 1 आ गया। अब इस 1 के साथ, इस 1 को देखूंगा मैं, इस 1 के साथ मैं 3 लगाऊंगा, मेरा क्या बन जाएगा 13। ठीक है, 13 का मैं रिमाइंडर किससे करूंगा, 11 से, ये मैंने करा रिमाइंडर 11 से, ये मेरे पास आ गया 2। इसका मतलब 13 की जगह मेरे नंबर में क्या आया, 13 की जगह मेरे नंबर में आया 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब 134 मेरे पास नहीं आएगा, उसके प्लेस में मेरे पास आएगा 24। ठीक है, ऐसे मैं अपनी जो लिमिट को है उसको बचा के अपने इंटीजर में स्टोर करता चलूंगा। अब मेरे पास हो गया ये 24, 24 इसका रिमाइंडर कर दिया मैंने 11 से, मेरे पास रिमाइंडर आ गया 2। अब मतलब इस पूरे की जगह, इन 3 डिजिट की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2, एक ही बात है मेरे पास। ठीक है, नम में आ गया मेरा 2, 2 के आगे लग गया 5, अब 5 की बारी आई, जैसी 25 आया, इसका रिमाइंडर करा 11 से, ये आया 3, नम में आया मेरे पास 3। ठीक है, जो कि मेरा है आंसर, ये आ गया मेरा आंसर। का मतलब हमारा चाहे बड़ा नंबर भी हो, हम उसको छोटे छोटे में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि 13 भी एक ही बात है, 2 भी एक ही बात है,
1345 भी एक ही बात है और 3 भी एक ही बात है, तो ये काम हम कर रहे होंगे ठीक है। तो जाते हैं इसको कर लेते हैं अपना कोड, बिल्कुल सिंपल सा एक लाइन का लॉजिक बनेगा बिल्कुल ठीक है। जो मेन लॉजिक होगा वो अपना वन लाइन का होगा। अब करते हैं यहाँ पर जो अपना आंसर होगा रिमाइंडर ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगा लेते हैं अपनी। अब हमें क्या करना है इस आंसर में क्या आएगा अगला जो डिजिट आएगा, जैसे हमारे पास आंसर में 1 3 के केस में तो पहले 1 आया था, फिर 1 1 आगे जब 3 आया तो मैंने इसको 13 में कन्वर्ट करा। वो कैसे करा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 3 ऐड करके ठीक है। जो भी आंसर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस उसमें ऐड क्या कर दो, जो भी ये नंबर है उसको कैरेक्टर से इंटीजर में कन्वर्ट करके, और अब जो नंबर बना जैसे 13 बना उसका रिमाइंडर निकाल लो 11 से, वो आंसर में मेरा स्टोर हो जाएगा ठीक है। बस ये मेरा मेन लॉजिक था। लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, फाइनल रिमाइंडर होगा ठीक है। इसको एक बार कॉपी भी कर लेते हैं यहाँ पर और इसको चलाकर भी देख लेते हैं। इसको सबमिट मारते हैं, ये हो गया अपना सबमिट। आते हैं जावा कोड पर, यहाँ अगर कर देते हैं इसको पेस्ट ठीक है, सब चल जाएगा। बस एक हमारे पास स्ट्रिंग है तो उसकी जगह कैरेट लगा लो जरा यहाँ पर आके, x डॉट कैरेट ठीक है। ये काम कर लिया हमने, यहाँ पर आएगा सी ठीक है। इसको भी चला के देख लेते हैं एक बार, इसको भी सबमिट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप गाइस आपको प्रोसेस में कि कोड भी समझ में आएगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। फिर भी रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।